हेलो दोस्तों, हमारे चैनल डिवाइन संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आ जाए तो क्या करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें एक ना एक दिन अपने शरीर को त्यागना ही है, यानी कि हम सबको एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही है। दोस्तों, जैसा कि ये हम सभी जानते हैं, मौत से हर मनुष्यों को डर लगता है, लेकिन हर मनुष्य मौत से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक भी रहता है। मनुष्य जब भी मृत्यु का नाम सुनता है या तो फिर आसपास जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह सोचने लगता है कि मृत्यु के बाद मरने वालों के साथ क्या होता होगा, या मृत्यु से पहले डर लगा होगा कि नहीं। लेकिन दोस्तों, इस रहस्य को सुलझाना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की जिंदगी के बारे में सविस्तार से बताया गया है, और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब किसी की मृत्यु निकट आ जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि नारायण, बताइए जब किसी व्यक्ति का अंत समय निकट हो तो उसके साथ क्या करना चाहिए। तब भगवान विष्णु गरुड़ से बोले, हे पक्षीराज, अंत समय में जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तब परिवार के लोगों को चाहिए कि वे आंगन में तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करें। उस मंडल के ऊपर पहले तिल बिखेर दें, फिर कुशों को बिछा दें। उसके बाद उसके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें। दोस्तों, वेदों में भी बताया गया है कि शालिग्राम पाप दोष भय को हर लेता है, इसलिए शालिग्राम के समीप मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति की मुक्ति सुनिश्चित है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी बताया गया है, जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है वहाँ मरने से सदा मुक्ति ही मिलती है। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं, जिसके आंगन में तुलसी वृक्ष लगा हुआ है उसका घर तीर्थ के समान है, वहाँ कभी भी यमदूत प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तुलसी के पत्तों से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है तो यमराज उसे देख नहीं पाते हैं, भले ही उसने अपने जीवन में सैकड़ों पाप ही क्यों न किए हों। इतना ही नहीं, तुलसी के पत्तों को मुख पर रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो फिर भी उसे निसंदेह वैकुंठ की प्राप्ति होती है। असुर, दैत्य, दानव तिल को देखकर भाग जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुश, अग्नि, तुलसी मंत्र ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी अपवित्र नहीं होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि मृत्यु करीब आने पर क्या करना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।